आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन बॉलीवुड कहानीकार एवं साहित्यकारों का सम्मान किया गया एवं रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए। कार्यक्रम में पंडित इंद्रजीत दीक्षित के ग्रुप के द्वारा बुंदेली बधाई एवं बुंदेलखंड का मशहूर नृत्य राई का प्रदर्शन भी किया गया। आयोजन में फिल्म अभिनेता अखिलेन मिश्रा एवं निर्देशक अरविंद बब्बल का मंच से सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से मशहूर साहित्यकार कहानीकार निर्देशक अरविंद बब्बल, दीपक दुआ, मुर्तजा अली, जीनत परवीन, सुनीता सिंह एवं राजनगर SDM स्वप्निल वानखेड़े मौजूद रहे। नगर परिषद खजुराहो के CMO जब्बार खान ने बताया कि हमारा प्रयास इस आयोजन को अच्छे से अच्छा करना है और आने वाले समय में इस महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का काम करेंगे। फिल्म महोत्सव के प्रमुख कर्ता धर्ता एवं सिने अभिनेता राजा बुंदेला ने अपने बुंदेली भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। फेस्टिवल का फायदा ये होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवक और युवतियों हैं, उन्हें अच्छी अच्छी फिल्में देखने का मौका मिलता है। और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल ने तो एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, टपरा टॉकीज का। टपरा टॉकी प्रोड्यूसर की शादी हो रही थी और उस टाइम पे इनकम टैक्स बहुत ज्यादा लगा था, तो टैक्स अवॉइड करने के लिए लोग चेक लेते थे अपने दोस्तों से और उनको टैक्स लेते। तो कली मोरानी जो हमारे प्रोड्यूसर है, उनकी शादी थी, तो उन्होंने राजा को 5,000 रुपये कैश किया और राजा ने कहा कि मुझे चेक दे दो, तुमको याद हो रहा है, मुझे चेक दे दो। राजा ने चेक दे दिया, कैसे दिया। 3 दिन बाद कली का फोन आने राहुल। निश्चित रूप से बुंदेलखंड और आगे चल के बघेलखंड दोनों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और अगर यहाँ पर फिल्म सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और उसको एक पूरा रूट बनाया जाए, तो उस रूट में अपने को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है और मध्यम या बड़ी बजटेड फिल्म्स भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आ सकती हैं, उनका विकास हो सकता है और एक नई सीन, एक नई जगह, एक नया डेस्टिनेशन जो हमेशा फिल्म वाले ढूंढते हैं। एक ज़माना था जिसमें आदमी ऊटी जाता था, एक ज़माना था जिसमें आदमी गोवा जाता था, लेकिन आज बहुत दूसरी दूसरी जगहों पे लोग जाकर खोज रहे हैं, देख रहे हैं और उनको पर्दे पे ला रहे हैं, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस में वो वाटरफॉल हो, चाहे और भी ऐसे शॉट्स हों, या फिर बाहर चले जाते हैं, भारत के बाहर चले जाते हैं। तो हमारे इस पूरे एरिया में इतनी सारी संभावनाएँ हैं, अगर उनको हम आगे बढ़ाते हैं तो एक तो राज्य का पर्यटन बढ़ेगा, राज्य की आय बढ़ेगी और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी दूर होगी, एक अलग रास्ता खुलेगा लाखों लाखों लड़के लड़कियों के लिए काम करने के लिए। कार्यक्रम को लेकर उठ रहे सवालों पर बुंदेला ने कहा कि फिल्म महोत्सव एक बुंदेलखंडी होने की वजह से खजुराहो का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि खजुराहो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्व वाले स्थान में ऐसे आयोजन न सिर्फ यहाँ की कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभदायक हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर स्वप्निल वानखेड़े के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह, निर्देशक रवैल अनुराग बसु, रोहितास गौड़, सुष्मिता मुखर्जी, अखिलेन मिश्रा, उदय शंकर पाणी, मनोहर कुशलानी, फिल्म निर्माता राम बुंदेला, आरिफ सहडोली, राकेश साहू सहित कई कलाकार उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।